गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक 1 चैप्टर नंबर 6 द्वितीय क्रियाएं। इसी चैप्टर में से हमने 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चंस अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे और उसके आगे के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्पाद आधारित उद्योग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, कुछ उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें जो उद्योग दूसरे उद्योग का उत्पाद कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, उसी को कहा जाता है उत्पाद आधारित उद्योग। जैसे कि लकड़ी की लुगदी बनाने वाले उद्योग जो है वो कागज़ के उद्योग को अपना कच्चा माल देगा, तो इसीलिए जो कागज़ का उद्योग है उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा उत्पाद आधारित उद्योग। क्वेश्चन नंबर 9 है, संसार के कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद आर्थिक विकास नहीं हुआ है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है कि संसार के कुछ क्षेत्र जैसे कि अफ्रीका के जो देश हैं वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो प्रचुर मात्रा में हैं, और यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन तो हैं लेकिन औद्योगिक विकास जो है या औद्योगिक प्रगति जो है वो आशा के अनुरूप नहीं हो पाई है, और ये देश जो हैं वो अन्य देशों की अपेक्षा काफ़ी पिछड़े रह गए हैं। तो इसके कारण इन देशों में जो है वो राजनीतिक अस्थिरता है, आवश्यक तकनीकी का अभाव है, आर्थिक कमज़ोरी है, तो इसीलिए इन देशों में क्या है प्राकृतिक संसाधनों के होते हुए भी आर्थिक विकास या औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वच्छंद उद्योगों की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। उत्तर, स्वच्छंद उद्योगों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है कि स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों पर में स्थित होते हैं। तो व्यापक विविधता जैसे कि उद्योगों के स्थानीकरण के लिए जलवायु या धरातल, ये चीज़ें भी काफ़ी मैटर करती हैं। तो ये जो हैं ये कारक जो हैं स्वच्छंद उद्योगों को प्रभावित नहीं करते हैं, तो इसीलिए ये व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। दूसरा है, ये किसी विशिष्ट प्रकार के कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं। तो जैसे कि उद्योगों का कोई भी इकाई अगर हमने शुरू करनी है तो उसके लिए हम सबसे पहला देखा जाता है कि कच्चे माल की सुविधा वहाँ है कि नहीं है। तो ऐसा इन उद्योगों के लिए, क्योंकि ये उद्योग जो हैं वो कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं, तो इसलिए ऐसा जो है ये कारक इन उद्योगों को प्रभावित नहीं करता है। अगला है, ये उद्योग संगठन पुर्जों पर निर्भर होते हैं। तो संगठन पुर्जों पर यानी कि जो छोटे छोटे ज़रूरतें हैं इसकी उस पर ही ये निर्भर होते हैं। संगठन पुर्जे यहाँ पे इसका मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको कि जैसे सर्किट बनाना, तो सर्किट बनाने के लिए हमें जैसे बोर्ड चाहिए और थोड़ी वायरिंग वेल्डिंग वगैरह ये चीज़ें होती हैं उसमें ना, तो इस तरह के छोटी मोटी जो संगठन पुर्जे होते हैं उसी पर ये जो उद्योग होते हैं वो आधारित होते हैं। इनमें कम मात्रा में उत्पादन होता है और ये जो उद्योग होते हैं जनरली ये कुटीर उद्योग की तरह इनको विकसित किया जाता है, शुरू किया जाता है, तो इसलिए इसमें उत्पादन भी जो है बहुत अधिक नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में इसमें उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, इन उद्योगों में श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये कुटीर उद्योग की तरह विकसित होते हैं, तो इसमें जो है वो श्रमिकों की भी अधिक आवश्यकता नहीं होती है। और लास्ट है कि सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, क्योंकि ये संगठन पुर्जों पर आधारित होते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी मशीनरी लगी हुई है या इस तरह का कुछ उत्पादन हो रहा है, तो इसीलिए इसमें जो है इन उद्योगों में प्रदूषण भी नहीं होता है, इन उद्योगों से प्रदूषण भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है,
उद्योगों का स्थानीकरण किन तत्वों पर निर्भर करता है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। तो किसी भी स्थान पर जब औद्योगिक इकाइयां लगाई जाती हैं तो ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं, या क्या क्या चीज़ें हैं जो जिनको कि पहले से जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसका अर्थ यही है। तो उद्योगों के स्थानीकरण के जो मुख्य तत्व हैं वो इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहला है कच्चे माल की उपलब्धता। तो उद्योगों के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटाने वाले पदार्थों व शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों पर आधारित उद्योग जो हैं वो कच्चे माल के स्रोत के समीप ही स्थित होने चाहिए। तो इसका उदाहरण भी है, जैसे कि लोहा, इस्पात, चीनी उद्योग। तो कुल मिलाकर यहाँ पे कहने का ये अर्थ है कि कच्चे माल की उपलब्धता जो है वो आसानी से होनी चाहिए, और वो मतलब जिसमें कि परिवहन का जो खर्चा है वो कम से कम हो। तो इसीलिए उद्योग जो हैं वो ऐसे ही स्थानों पर लगाए जाते हैं जहाँ पे कि कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो सके। जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा SST में कि उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग इतना विकसित क्यों है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो कच्चा माल है चीनी उद्योग का, यानी कि गन्ने की जो उपज है वो वहाँ पे होती है, और आसानी से जो उद्योगों के लिए कच्चा माल है वो भी प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए पहला जो कारक है या पहला जो तत्व है वो है कच्चे माल की उपलब्धता। दूसरा है अनुकूल जलवायु। तो कुछ उद्योग विशेष प्रकार के जलवायु वाले क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे दक्षिण भारत में सूती वस्त्र उद्योग विकसित होने में नमी वाले वातावरण का लाभ मिलता है। नमी के कारण कपास के वस्त्र की जो कताई होती है वो आसान हो जाती है। अत्यधिक ठंडे या अत्यधिक गर्म प्रदेशों में इन उद्योगों को स्थापित करना बहुत ही कठिन होता है। तो इसी प्रकार से जो जलवायु है वो भी उद्योगों के स्थानीकरण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है कि जलवायु के अनुरूप ही वहाँ पर उद्योग लगाया जाता है। तो दूसरा कारक जो है वो है अनुकूल जलवायु। तीसरा है शक्ति के संसाधन। शक्ति संसाधन का मतलब यहाँ से विद्युत से है। तो वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है वे ऊर्जा के स्रोत के समीप ही लगाए जाते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम उद्योग। तो शक्ति जैसे जहाँ पर भी, क्योंकि जो भी उद्योग होते हैं उनमें भारी मशीनरीज वगैरह ये सब होती हैं जो कि जनरली विद्युत चालित होती हैं, तो इसीलिए उद्योगों को वहीं उसी स्थान पे लगाया जाता है या उसी स्थान के समीप लगाया जाता है जहाँ पे कि ऊर्जा का भी स्रोत हो, चाहे वो कोई भी ऊर्जा है, चाहे वो तापीय ऊर्जा है, जलीय ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, कैसी भी प्रकार की ऊर्जा हो सकती है, लेकिन ऊर्जा का स्रोत जो है वो उद्योगों के पास होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट कारक जो है वो है श्रम की उपलब्धता। तो बढ़ते हुए यंत्रीकरण और स्वचालित मशीनों इत्यादि में उद्योगों में श्रमिकों पर निर्भरता जो है वो धीरे धीरे कम हो गई है, पर फिर भी कुछ उद्योग आज भी ऐसे हैं जिनमें कि बहुत अधिक जो है कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, और अधिकांश उद्योग जो हैं वो सस्ते व कुशल श्रमिकों की उपलब्धता वाले स्थान पर ही स्थित होते हैं। ठीक है, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड का घड़ी उद्योग व जापान का इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है वो कुशल और दक्ष श्रमिकों के बल पर ही टिका हुआ है। तो इसलिए उद्योगों के स्थानीकरण के लिए मतलब उसका एक जो महत्वपूर्ण कारक है वो श्रमिकों की उपलब्धता भी है कि उद्योगों में काम करने वाले जो कुशल श्रमिक हैं वो भी आसानी से उपलब्ध होने चाहिए ना, नहीं तो मतलब उस उद्योग को कैसे चलाया जा सकेगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है कि श्रमिकों की उपलब्धता। नेक्स्ट है पूंजी।
तो पूंजी तो हम सभी जानते हैं कि पूंजी जो है वो उद्योगों के स्थानीकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। तो किसी भी उद्योग के सफल विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी का उपलब्ध होना अनिवार्य है। तो बच्चों पूंजी, यहाँ पे पूंजी का अर्थ सिर्फ पैसे से नहीं है, पूंजी का अर्थ होता है कि उतना तुम्हारे पास क्षेत्र भी होना चाहिए, मतलब ज़मीन होनी चाहिए, भवन होना चाहिए प्रॉपर, और इतना इतना पैसा होना चाहिए कि श्रमिकों को वेतन आसानी से दिया जा सके और कच्चा माल खरीदा जा सके। ये सब जो भी कुल मिला के इसको बोला जाता है पूंजी, ठीक है। तो ये सब जो हैं मतलब बहुत ज़रूरी हैं एक उद्योग को जो है स्मूथली चलाने के लिए। तो इसलिए जो है पूंजी की उपलब्धता होना बहुत ज़रूरी है। तो उदाहरण के लिए उद्योग जो यूरोप है, यूरोप में पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध है और इसीलिए वहाँ पे जो है उद्योग भी काफ़ी विकसित हो चुके हैं। जैसे हमने अभी लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि जो अफ्रीका है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इतने प्राकृतिक संसाधन हैं प्रचुर मात्रा में है, फिर भी औद्योगिकरण नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है वो पूंजी की कमी है। यहाँ पे पूंजी की कमी का मतलब पैसे से भी है, कुशल श्रमिकों से भी है, और भवन और सब जितना भी उसका जो हमने अभी भी कारक किए हैं, जैसे कि शक्ति संसाधन, तो क्या वहाँ पे उतना शक्ति संसाधन है, क्या वहाँ पे परिवहन उपलब्ध है, ये सब नहीं है वहाँ पे। तो इसीलिए वहाँ पे जो है वो उद्योग विकसित नहीं हो पाए हैं। तो इसलिए पूंजी जो है वो भी उद्योगों के स्थानीकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। तो हमने इस क्वेश्चन में अभी 5 कारक जो हैं वो डिस्कस किए हैं कि कच्चे माल की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु, शक्ति के संसाधन, श्रम की उपलब्धता, पूंजी। लेकिन इसके अलावा भी जो है कई ऐसे कारक हैं जो इसमें अभी नहीं डिस्कस किए हैं, लेकिन आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं, जैसे कि परिवहन की सुविधा और बाज़ार का निकट होना और सहकारी नीतियाँ, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण अपना एक रोल प्ले करती हैं उद्योगों के स्थानीकरण में। तो इस प्रकार से ये सभी जो कारक मैंने भी डिस्कस किए, ये सभी जो हैं उद्योगों के स्थानीकरण के महत्वपूर्ण कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन है ये, कि लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि आधारभूत उद्योग क्या होते हैं। तो आधारभूत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो कि अन्य उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि लौह इस्पात को क्यों कहा जाता है। तो लौह इस्पात उद्योग के जो का जो उत्पाद है उसको अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, इसीलिए इसे क्या है, आधारभूत उद्योग कहते हैं। तो जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, और अन्य ऐसे बहुत से उद्योग हैं जिन्हें कि आधारभूत उद्योग कहा जा सकता है। और आप इसका एक उदाहरण, जैसे कि आप अपने आसपास अपने घर में अनेक ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जो कि लौह इस्पात यानी कि स्टील से बनी है। तो स्टील से बनी हुई आपके घर में बर्तन हो सकते हैं, या जो बच्चे साइकिल चलाते हैं साइकिल है, और जितना भी मोटर व्हीकल जितने भी हैं ये सब इसमें स्टील का प्रयोग होता है। घर में कई छोटी बड़ी वस्तुएं होती हैं जो कि स्टील से बनी होती हैं। तो इसलिए उन सभी उद्योगों में जहाँ पे वो चीज़ें बनी हैं उनके लिए जो है वो लौह इस्पात उद्योग जो है वो क्या होगा, वो आधारभूत उद्योग होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बड़े और छोटे पैमाने के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बड़े पैमाने के उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग, इन दोनों में क्या क्या अंतर है, वो इस प्रकार से है। सबसे पहला है कि बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं उनमें ऊर्जा चालित मशीनों से उत्पादन होता है।
तो कुल मिला के कि जो बड़े 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 पैमाने के उद्योग हैं वहाँ पे मतलब बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जो कि ऊर्जा से यानी कि बिजली से चलती हैं और तब उत्पादन होता है। जबकि छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं वहाँ पे क्या होती है, छोटी मशीनें लगाई जाती हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी मशीनें नहीं होती हैं। उसके बाद दूसरा अंतर है कि बड़े पैमाने के उद्योग अधिक मात्रा में मतलब उन उद्योगों में पूंजी निवेश किया जाता है, और जबकि छोटे पैमाने के उद्योगों में पूंजी निवेश थोड़ा कम होता है। ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। तीसरा है कि बड़े पैमाने के उद्योग विकसित देशों के विकास का आधार होते हैं, तो जितने भी विकसित देश हैं वहाँ पे अधिकतर क्या हैं, बड़े पैमाने के उद्योग लगाए जाते हैं, और जबकि जो छोटे पैमाने के उद्योग हैं वो विकासशील देशों में रोज़गार उपलब्ध कराते हैं। कि जो भी विकासशील देश हैं, जो भी प्रगति कर रहे हैं, तो ऐसे देशों में क्या है, जो छोटे पैमाने के उद्योग हैं वो अधिक लगाए जाते हैं ताकि लोगों को रोज़गार आसानी से मिल सके। उसके बाद अगला जो डिफरेंस है वो ये है कि जो बड़े पैमाने के उद्योग हैं उसमें विभिन्न प्रकार का जो कच्चा माल होता है वो आयात किया जाता है, और जबकि जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं उनका जो कच्चा माल होता है वो स्थानीय जो भी कच्चा माल वहाँ उपलब्ध होगा उस पर वो आधारित होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है उदाहरण। बड़े पैमाने के उद्योग में हम उदाहरण देंगे लौह इस्पात उद्योग का, और जो छोटे पैमाने के उद्योग हैं उसमें हथकरघा उद्योग भी आ सकता है, या फिर अगर हम लौह इस्पात उद्योग को बड़े पैमाने का उद्योग अगर हम उदाहरण में दे रहे हैं तो हम बर्तन उद्योग या साइकिल उद्योग, इन उद्योगों को जो है हम छोटे पैमाने का उद्योग कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, उच्च प्रौद्योगिक उद्योग की विशेषताएं बताइए। तो उच्च प्रौद्योगिक उद्योग की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है, उच्च प्रौद्योगिक उद्योग में वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण किया जाता है, इसमें शोध वगैरह का जो कार्य होता है वो भी होता है। दूसरा है, इसमें श्रमिकों का अधिकांश भाग दक्षता प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे जो है वो दक्ष जो श्रमिक होते हैं उन्हीं को काम मिलता है, यानी कि स्किल्ड लेबर, जिनको कि उच्च तकनीक का, अच्छे जो आज की नई टेक्नोलॉजी है उसका अच्छा ज्ञान होगा, ऐसे वर्कर्स को ही यहाँ पे काम दिया जाता है। नेक्स्ट है, अधिकांश कार्य कंप्यूटर एवं यंत्रों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे अधिक जो प्रयोग होता है वो कंप्यूटर और हाईटेक मशीनरीज, रोबोट्स वगैरह, इनका प्रयोग यहाँ पे अधिक होता है। इन उद्योगों में स्थान साफ सुथरे, विशाल भवन, कार्यालय और प्रयोगशालाओं युक्त होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे मैक्सिमम जो कार्य होता है वो कंप्यूटर द्वारा होता है, तो इसीलिए यहाँ पे उद्योग भी कैसे होते हैं, बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं, बड़े विशाल भवन होते हैं और साफ सुथरे कार्यालय और प्रयोगशालाएँ भी यहाँ पर होती हैं। नेक्स्ट है, इन्हें प्रौद्योगिक ध्रुव भी कहा जाता है। तो प्रौद्योगिक ध्रुव भी इन्हें ही कहा जाता है, जहाँ पे कि मतलब उच्च तकनीक का प्रयोग करते हुए जो उद्योग जो होते हैं वो होते हैं, तो उन्हें ही प्रौद्योगिक ध्रुव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रौद्योगिक ध्रुव किसे कहते हैं? तो उत्तर है, वे उच्च प्रौद्योगिक उद्योग जो प्रादेशिक रूप में संकेंद्रित हैं, आत्मनिर्भर तथा उच्च विशिष्टता लिए होते हैं, उन्हें प्रौद्योगिक ध्रुव कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए सिलिकॉन घाटी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है और भारत में बेंगलुरु।